हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, उनको शेडिंग की प्रॉब्लम होती है कि मतलब जो उनकी पेंसिल से शेडिंग नहीं हो पाती है बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में। कंप्लीट फेस पे अगर आपको बिल्कुल स्मूथ या फिर अच्छे से शेडिंग करनी है तो जो आपकी शेडिंग है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में होनी चाहिए, बीच में पैचेज नहीं दिखने चाहिए और कहीं पर लाइट हो जाती है, कहीं पर डार्क हो जाती है। तो इस वीडियो में एक मेथड बताऊँगा पेंसिल शार्प करने का, जिससे जो आपकी शेडिंग है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं, मैं नहीं करता था, बट मैंने 3-4 स्केचेस में जो कमीशन वर्क है उनमें यूज़ करके देखा। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है और जो शेडिंग है वो आपको काफ़ी अच्छे से मिलती है, बिल्कुल स्मूथ यूनिफॉर्म मोशन में कंप्लीट। अगर आपको शेडिंग करनी है, लार्ज एरियाज में भी करनी है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अच्छे से ऑब्जर्व करना, जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको शेडिंग करनी है और किस तरह से आपने पेंसिल को पकड़ना है। तो चलिए एक बार देखते हैं किस तरह से आपको पेंसिल को शार्प करना है। पहले नॉर्मल तरह से एक बार शेडिंग करके देखते हैं। तो ये बी पेंसिल है मेरे पास और नॉर्मल तरह से मैंने शॉर्पनर से इसको शार्प कर रखा है और जो शेडिंग करेंगे वो कुछ इस तरह की शेडिंग होगी नॉर्मल तरह से। और एक दो बार शेडिंग करने के बाद इसकी जो शार्पनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसको फिर से शार्प करना पड़ता है। तो जो मेथड मैं आपको बताऊँगा उसमें आपको एक ही बार अगर आप शार्प कर लेंगे तो आपको बार बार ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बस आपको एक कटर चाहिए, कोई भी शॉर्पनर नीचे, कोई भी कटर ले सकते हैं आप, कोई भी नाइफ ले सकते हैं जो कि शार्प हो, और इसके वुडन को आपने छीलना है। जितना ज़्यादा ऊपर तक छीलोगे उतना आपको बढ़िया इफेक्ट मिलेगा शेडिंग में। जो वुडन पार्ट है वो अगर आप जितना ऊपर तक छीलोगे वो आपको उतना बढ़िया शेडिंग इफेक्ट मिलेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना करना है। सो ये कटर से शार्प करने के बाद कुछ ऐसी हो गई है, लीड आपको थोड़ी ज़्यादा दिख रही है और इससे ज़्यादा भी आप शार्प कर सकते हो, लीड इससे डबल भी कर सकते हो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं इसको शार्प करता हूँ अच्छे से। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ सैंड पेपर, आप किसी भी टाइप का सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं जो कि खुरदरा होना चाहिए और इस तरह से आपने घिसना है बस। ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना, नहीं तो लीड टूट सकती है। और सिंपली बस इस तरह से आपने किसी भी सैंड पेपर के ऊपर बस रब करना है जब तक अच्छे से शार्प ना हो जाए। और पेंसिल को आप मूव कर सकते हो ताकि जो शेप है वो काफ़ी गोल आए, काफ़ी अच्छे से शेप आए। और जो भी आपका ग्रेफाइट सैंड पेपर के ऊपर हो, ग्रेफाइट या चारकोल, आप उसको सेव कर सकते हो एज ए चारकोल पाउडर या फिर ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करने के लिए। पेंसिल के ऊपर भी लगी होगी ग्रेफाइट, तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं, टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये शार्प हो चुकी है। सो अब शेडिंग करते हैं। तो पेंसिल को आप इस तरह से पकड़ सकते हो, इस तरह से पकड़ के आप काफ़ी अच्छे से शेडिंग कर सकते हो। और इस तरह से आपने बस पेपर के ऊपर रब करना है और जो आपको काफ़ी स्मूथ शेडिंग देखने को मिल जाएगी। उसी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जिसका मैंने पहले यूज़ किया था, पहले मैंने आगे से पकड़ के और इस तरह से शार्प नहीं थी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग हो रही है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल लेयर बाय लेयर शेडिंग हो रही है। ग्रेफाइट पेपर के ऊपर काफ़ी अच्छे से ऑप्ट हो रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको शेडिंग सीखनी है। तो शेडिंग करते वक्त हमारी पेंसिल के स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए, शेडिंग दिखनी चाहिए ओनली इस तरह से। पहले में तो आपको लाइन्स ही दिख रही होंगी, बट इसमें देखो शेडिंग दिख रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और पेंसिल के लीड को आप जितना बड़ा रखोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, उतनी बढ़िया शेडिंग आप कर पाओगे और उसको उतना जितना ज़्यादा शार्प करोगे इतना, मतलब मैंने तो बिल्कुल शार्प नहीं किया, जितना घिस घिस के आप शार्प कर सकते हो उतना शार्प कर लो, फिर आपको जो शेडिंग मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, आप ट्राई करके देखना। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमारी पेंसिल टूट जाती है शॉर्पनर से शार्प करने में, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल आपकी टूटेगी भी नहीं और शेडिंग आपको बिल्कुल स्मूथ मिल जाएगी। इस मेथड का यूज़ आप चारकोल में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ड्राइंग में शेडिंग करके दिखाता हूँ, तो देख लो मैं उसी मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल मैंने किस तरह शार्प कर रखी है। इस तरह से आप पूरे वुड को ख़त्म कर दो और इस तरह से लेड दिखनी चाहिए, और इसको आप अच्छे से शार्प कर लो बिल्कुल किसी भी सैंड पेपर का यूज़ करके, और काफ़ी अच्छे से आप शेडिंग कर पाएंगे, बिल्कुल भी आपको बीच में पैचेस नहीं दिख रहे होंगे। जो शेडिंग है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में हो रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको फेस में शेडिंग करनी है तो, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर लाना है। तो एक बार ट्राई करके देखना शेडिंग करके इस तरह से किसी एक पेंसिल को शार्प करके और फिर इसको ब्लेंड करके, काफ़ी स्मूथ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और बिल्कुल भी बीच में पैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, काफ़ी अच्छे से आप शेडिंग कर पाओगे। देख लो मैं किस तरह से फास्टली शेडिंग कर रहा हूँ और पेंसिल को मैंने किस तरह से पकड़ रखा है। अगर उस तरह से शार्प कर रही होती है शॉर्पनर से तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो शेडिंग है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हो पाती है कई बार। ब्लेंड करने पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आप लेयर बाय लेयर शेडिंग कर सकते हैं।
2B HB का 4B का यूज़ करके, HB से 2B 4B 6B तक का यूज़ करके, और लाइट टू डार्क शेडिंग कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल स्मूथ इफेक्ट आपको मिल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, ये मेथड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं पेंसिल को शार्प करने के लिए, काफ़ी अच्छे से पेंसिल शार्प हो जाती है इस तरह से। सैंड पेपर का यूज़ करना है आपने, कटर का यूज़ करना है, और आपका शॉर्पनर का खर्चा बच जाएगा, और जो शेडिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा। जल्दी जल्दी आप इसमें आप जल्दी जल्दी शेडिंग कर सकते हो इस तरह से जल्दी जल्दी शेडिंग करोगे तो भी आपकी जो शेडिंग है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में होगी, क्योंकि जो लीड है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, और काफ़ी अच्छे से आपने उसमें शार्प किया। एक बार ट्राई करके देखना, जो भी आप पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, 2B 4B जो भी यूज़ करते हो, उसको एक बार इस तरह शार्प करके शेडिंग करके देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो शेडिंग है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्पनर से नहीं हो पाता, शॉर्पनर से भी हो पाता है, बट जो एक्सपेंसिव पेंसिल्स हैं उनमें जो चीप शॉर्पनर अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता है, बार बार आपको शार्प करना पड़ेगा, एकदम से आपको बिल्कुल शार्प लीड नहीं मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग करनी है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एक बार यूज़ करके देखना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि मतलब कैसा मेथड है ये आपको, अगर आप यूज़ करते हो तो। काफ़ी आर्टिस्ट बड़े बड़े इसको यूज़ भी करते थे, मतलब मैंने यूज़ नहीं किया था, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था कि इस तरह शार्प करनी पड़े, क्या हो कैसे शेडिंग होती होगी, शॉर्पनर से अच्छे से शार्प नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को लगा एक बार नई टेक्निक ट्राई करके देखते हैं, और लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे से शार्प हो पाया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में बस आपको यही बताना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए, अगर आप एक बिगिनर जिनसे शेडिंग नहीं हो पाती है, ट्राई जरूर करके देखना ये मेथड, और कैसा लगेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।